ये जो 70-80 हज़ार रुपए की मशीन है, ये आपको बाय करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप मात्र 15 या 2 हज़ार रुपए की जो सीट आती है वो आपको मिल जाएगी, वहां से आप उससे प्रिंट कर सकते हो अपने कलर प्रिंटर के थ्रू। तो भाइयों कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हो। तो आज की वीडियो में हम इसी बिजनेस के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा था, पीवीसी कार्ड प्रिंटिंग करने के लिए हम मेनली यूज़ करते हैं 70-80 हज़ार रुपये की एक मशीन आती है, लेकिन चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में है एक इंकजेट प्रिंटर तो आप उससे भी प्रिंट कर सकते हो पीवीसी कार्ड। तो वीडियो में हम इसी को देखेंगे, पूरा देखना वीडियो को लास्ट तक, एक एक चीज़ में स्टेप बाय आपको समझा दूँगा। इस वीडियो में हम ड्रैगन सीड्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो हमारी ड्रैगन सीड्स है, इनका प्रिंट बहुत ही सस्ता पड़ता है। इनका प्रिंट लगभग 1 ID का पड़ता है, 2 या 1 रुपये का। लिंक इसको बाय करने का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। जो लोग नए CSC या जनसेवा केंद्र से हैं या जिनका नया जनसेवा केंद्र है, मैं उनके लिए पूरी एक गाइड टाइप से बना के प्लेलिस्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको जनसेवा केंद्र और CSE डिस्ट्रिक्ट या डिजिटल सेवा केंद्र से संबंधित आपको इस चैनल पर जानकारियां मिलती रहेंगी। यदि आप उसको बाय करने में या पेमेंट में या किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वहां पर एक कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी मैं हूँ आपके पास। यूट्यूब चैनल की कमेंट में भी आप मुझसे कुछ पूछ सकते हो यदि कोई दिक्कत आती है। प्रिंटिंग कैसे करनी है पूरी प्रोसेस मैं अगली एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फोटोशॉप से लेकर पूरी कलर प्रिंटर मशीन तक आपको पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। आप इस प्रोसेस की मदद से यही नहीं, ID कार्ड प्रिंटिंग, E10 कार्ड प्रिंटिंग, आधार कार्ड प्रिंटिंग, ये सभी आप प्रिंट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इंस्टाग्राम पर भी लाइव हूँ, आप वहाँ से मुझसे कोई भी पर्सनली चैट में सवाल पूछ सकते हो। जय हिंद।